हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के माइंड में बस यही डाउट है कि क्या असाइनमेंट सबमिशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो क्या कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सभी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी, आप लोग मिस कर जाओगे। तो मेक श्योर कि आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, इग्नू में दो सेशन में असाइनमेंट सबमिट होते हैं, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। जून सेशन के लिए 31 मार्च तक लास्ट डेट रहता है और दिसंबर सेशन के लिए 30 सितंबर तक लास्ट डेट रहता है। लेकिन 2016 से देखा गया है कि हर साल ही डेट एक्सटेंड होते हैं आपके। जब 31 मार्च तक लास्ट डेट रहता है तो उसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तो मिनिमम कर ही दिया जाता है, और अगर दिसंबर सेशन के लिए 30 सितंबर तक लास्ट डेट रखा जाता है तो उसका लास्ट डेट को एक्सटेंड करके कम से कम 31 अक्टूबर तो कर ही दिया जाता है। कुछ कुछ रेयर केस में नवंबर तक भी चले जाते हैं। पिछले 2018 सेशन में 10 नवंबर तक लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक्सटेंड किए जाते हैं, इस बार तो एक पर्टिकुलर वजह है, खास वजह है जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर है, आप लोग को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से ये सर्कुलर जारी किया गया। इवन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट है, सभी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि सभी स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद रहेंगे 31 मार्च तक कम से कम, ठीक है। और बहुत जगह पे तो 15 अप्रैल तक भी सभी क्लोज कर दिए गए। अब देखो, इग्नू के दिल्ली रीजनल सेंटर जो है, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर, वहां से एक सर्कुलर जारी किया गया जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब देखो, ये हालांकि सर्कुलर कल ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मैंने कल ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल ये जो डाउनलोड करने का लिंक था वो काम नहीं कर रहा था। मैंने तो डाउनलोड कर लिया था लेकिन आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाते, और मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहे। आप लोग भी डाउनलोड कर लो ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहे बोलने के लिए। तो अभी ये लिंक काम कर रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग चाहे तो इस सर्कुलर को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबको पता है कोरोना वायरस के वजह से अभी तो हिंदुस्तान में बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो सभी जितने भी स्कूल कॉलेज है सभी गवर्नमेंट बंद कर रहे हैं, ठीक है। इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी यह सर्कुलर जारी किया गया था कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, सब कुछ बंद रहेगा 31 मार्च तक। उसके बाद से टिल फर्दर ऑर्डर, उसके बाद से बताया जाएगा कि कब यह चालू होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ होंगे, बाकी सभी बंद होंगे। अब देखो, जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यह चीज साफ लिखा हुआ है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू पोस्टपोन लर्नर सपोर्ट एक्टिविटीज एट ऑल रीजनल सेंटर एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर। लर्नर सपोर्ट सेंटर मींस होता है स्टडी सेंटर, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री टिल 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक सभी स्टडी सेंटर बंद रहेंगे। इवन मैंने कोलकाता के कुछ स्टडी सेंटर से बात किया तो वहां पे भी स्टडी सेंटर अभी बंद है। तो अगर स्टडी सेंटर ही बंद रहेगा तो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे कहां पे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि 31 मार्च तक तो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 31 मार्च से पहले ही आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा इग्नू की तरफ से, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोग का जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो या तो 15 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल तक डेट एक्सटेंड कर दिया जाए। इस बार क्या हुआ है कि इस बार जितने भी असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो सभी स्टूडेंट्स का, सभी प्रोग्राम का अलग अलग इस बार मेंशन किया गया। आप लोग देखोगे अपना अपना असाइनमेंट जब डाउनलोड करके तो उन सभी में आपका असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट आपके असाइनमेंट में ही लिखा हुआ है, और सबका अलग अलग है। किसी का 15 मार्च है, किसी का 31 मार्च है, किसी का 15 अप्रैल है, किसी का 30 अप्रैल भी है, ठीक है। तो इस बार अलग अलग है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट 15 मार्च तक सबमिट करने वाले थे, खासकर कुछ बीएजी के स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैं बता दूं कि आप लोग 31 मार्च के बाद सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलर जारी हुआ है वो 13 मार्च को सर्कुलर जारी हुआ है। इवन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है वो 14 मार्च को जारी हुआ है, और भी अदर गवर्नमेंट को मैंने देखा कि 13-14 के बीच में ही जारी किया गया, ठीक है। आप लोग का 15 मार्च तक लास्ट डेट था, तो अभी तो फिलहाल बंद है, 31 मार्च के बाद आप लोग सबमिट कर सकते हो। और अगर डेट 15 अप्रैल और 30 अप्रैल का ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आ जाए तब तो आप लोग 30 अप्रैल तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इग्नू का जो मेन वेबसाइट है ना, वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग ने प्रीवियस सेशन में भी देखा होगा कि असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट एक्सटेंड हुए 10 दिन हो गया था, उसके बाद से यहाँ पे अपडेट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही लेट होता है, लेकिन दिल्ली 3 में का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बता दिया गया है। इवन दिल्ली 1 का भी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे भी बता दिया गया है कि लर्नर सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज विल बी पोस्टपोन एट इग्नू रीजनल सेंटर एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर टिल 31 मार्च। इवन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वहां पे भी मैसेज गया है कि आपका लर्नर सपोर्ट एक्टिविटीज को बंद किया जाएगा, 31 तक बंद रहेगा, 31 मार्च तक, ठीक है ना। तो आप लोग ये जान लो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही हो गया अल्टीमेटली में कि आप लोग अभी असाइनमेंट सबमिट करना नहीं है, और असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 15 अप्रैल से लेकर
31 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएंगे, तो अभी आप लोग टेंशन मत लेना। और अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं भी कर पाए तभी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एग्जाम दे पाओगे, सितंबर में सबमिट कर देना, क्या दिक्कत है, ठीक है, उसे कोई भी इशू नहीं होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहता है असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को लेकर कि अभी एक्सटेंड नहीं किया गया, लेकिन 31 मार्च तक अभी आपको जाना भी नहीं है, 31 मार्च के बाद आप सबमिट कर सकते हो, और ज्यादा चांस है कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर करो सभी स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।